हेलो टू ऑल, हम आज की क्लास के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम का अंतस्रावी तंत्र की एक ग्लैंड पढ़ने जा रहे हैं और उस ग्लैंड का नाम है पैराथायरॉइड ग्लैंड। इस ग्लैंड के द्वारा जो रिलीज होने वाला हार्मोन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है उसको आप देखिएगा। आज का टॉपिक है पैराथायरॉइड ग्लैंड, राइट। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ है। तो इसका जो ओरिजिन हुआ है वो भ्रूण की एंडोडर्म परत से हुआ है, यानी कि आई कैन से इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। फिर आ जाते हैं कि इस पैराथायरॉइड ग्लैंड की संख्या कितनी होती है। तो जब भी पैराथायरॉइड ग्लैंड की संख्या की बात करते हैं तो हम कहते हैं दो जोड़ी होती है, या तो दो जोड़ी कह दीजिए या क्या कह दीजिए कि कुल मिलाकर चार पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है। अब ये जो है इसकी पोजिशन क्या है, इसकी लोकेशन कहां पर है, तो थायरॉइड ग्रंथि जो है वो थायरॉइड ग्रंथि जो होती है उसकी पृष्ठ सतह पर, राइट। थायरॉइड ग्रंथि की पृष्ठ सतह पर जो पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है उस धसी रहती है। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि जो थायरॉइड ग्लैंड है, थायरॉइड ग्लैंड, राइट, जैसे ये देखिए ये वाली जो है ये कौन सी है, थायरॉइड ग्लैंड है। तो जो थायरॉइड होती है उस थायरॉइड ग्लैंड की जो डॉर्सल सरफेस होती है उसकी डॉर्सल सतह पर पृष्ठ सतह के ऊपर ये देखिए ब्लैक डॉट्स जो मैंने यहां पर लगा रखे हैं ये वाले, ये क्या शो कर रहे हैं, एक दो तीन और ये चार। मतलब कि ये आप देख सकते हो कि दो जोड़ी यानी कि चार पैराथायरॉइड ग्रंथियां आपको देखने को मिल रही है। अब आते हैं कि ये जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है इसमें कितने प्रकार की सेल्स होती है। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होती है उसमें दो मुख्य प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक कोशिका होती है उसका नाम है चीफ कोशिकाएं, चीफ सेल्स, और जो दूसरी कोशिकाएं होती है उनका नाम है ऑक्सोफिल सेल। लेकिन इनमें से जो हमारे काम की जो रचना है, जो हार्मोन का सेक्रेशन करती है, वो कौन है, चीफ सेल से। और चीफ सेल्स के द्वारा एक ही हार्मोन का रिलीज होता है और उस हार्मोन का नाम है पैराथार्मोन, या तो आप इसे पैराथार्मोन कह सकते हैं या इसे पैराथायरॉइड हार्मोन पीटीएच भी कह सकते हैं। पैराथार्मोन कहिए, पीटीएच कहिए, राइट, यानी कि पैराथायरॉइड हार्मोन, या आप इसे कॉलिप्स हार्मोन भी कह सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसको कॉलिप हार्मोन क्यों कहा गया है, तो कॉलिप हार्मोन इसके डिस्कवरर के आधार पर यह नाम दिया गया है। एक साइंटिस्ट था जिसका कि नाम था फिलिप कॉलिप, उसने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉलिप हार्मोन भी कहते हैं। तो हमने तीन नाम दिए हैं जो कि पैराथायरॉइड ग्लैंड की चीफ सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है, आप उसे पैराथार्मोन कहिए, पीटीएच कहिए या कॉलिप हार्मोन कहिए। अब ये जो हार्मोन है पीटीएच, इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है कि बाह्य कोशिकीय द्रव्य के अंदर, बाह्य कोशिकीय द्रव्य यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, बाह्य कोशिकीय द्रव्य के अंदर रक्त भी शामिल है, तो बाह्य कोशिकीय द्रव्य में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को रेगुलेट करना ये इसका काम है, ओके। तो देखिए वैसे भी आप लोगों को एक चीज में बता दूं कि दो ही हार्मोन है जो कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल का ब्लड के अंदर या ECF के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर नियमन करते हैं। एक तो जो पैराथायरॉइड ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है जिसका कि नाम है PTH, और दूसरा एक थायरॉइड ग्लैंड के द्वारा जो स्रावित होता था जिसको हम बोलते थे TCT या थायरोकैल्सिटोनिन। तो ऑल टुगेदर नटशेल में कह दूं कि TCT यानी कि थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो थायरॉइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है और PTH जो कि पैराथायरॉइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, बॉडी के अंदर ये दोनों हार्मोन्स रक्त के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल का क्या करते हैं, नियमन करते हैं। तो अभी यहां पर हम कंसेंट्रेट किस पे कर रहे हैं, पीटीएच के ऊपर। तो पीटीएच हार्मोन बाह्य कोश के द्रव्य में कैल्शियम और फॉस्फेट का क्या करता है, नियमन करता है। अब प्रश्न उठता है कि कैल्शियम और फॉस्फेट का नियमन कैसे करता है, तो देखिए मैंने यहां पर पीटीएच के कार्य लिख रखे हैं। पीटीएच का पहला कार्य क्या है, देखिए पीटीएच आंत्र में स्थित भोजन से, पीटीएच जो होता है जो इंटेस्टाइन होती है ना, इंटेस्टाइन उसमें जो भोजन में जो उपस्थित कैल्शियम है उसको अवशोषित करने का ये क्या करता है, काम करता है। यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर जो भोजन स्थित है उससे कैल्शियम को अवशोषित करने का जो काम है वो किसका है, पीटीएच का है। न केवल पीटीएच आंत्र में स्थित भोजन से अवशोषित कर रहा है किसको, कैल्शियम को, अपितु ये नेफ्रॉन से भी कैल्शियम का क्या करता है, अवशोषण करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पीटीएच हार्मोन जो होता है एक तो आंत्र से भोजन में स्थित कैल्शियम को अवशोषित करता है और नेफ्रॉन से भी कैल्शियम को क्या करता है, अवशोषित करता है। तो इसका मतलब यह हुआ
कि ये रक्त में कैल्शियम के लेवल को क्या कर देगा, बढ़ा देगा. क्यों? क्योंकि आंत्र से और नेफ्रोन से इसने क्या किया, अवशोषित किया कैल्शियम को. तो ये रक्त में तो कैल्शियम के लेवल को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, लेकिन मूत्र के साथ फॉस्फेट के लेवल को क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा. तभी तो हम ये कह रहे हैं कि ये हार्मोन जो है फॉस्फेट और कैल्शियम का क्या कर रहा है, नियमन कर रहा है. आपको ये ध्यान रखना है कि मूत्र के साथ फॉस्फेट को तो क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा. इट रिमूव्स फॉस्फेट अलोंग विद द यूरिन, बट ये रक्त में कैल्शियम के स्तर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है. तो नटशेल के अंदर कहें तो इस बात को ध्यान रखिए हमेशा कि जो अपना पीटीएच हार्मोन होता है वो रक्त में कैल्शियम के स्तर को क्या करता है, बढ़ाता है. रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है और ये फॉस्फेट को मूत्र के साथ में क्या करता है, बाहर निकालता है. तो नेचुरली कि फॉस्फेट यूरिन के साथ में कहां पर जा रहा है, बाहर जा रहा है. तो ये फॉस्फेट के लेवल को तो क्या कर देगा, रक्त में कम कर देगा. तो रक्त में फॉस्फेट के लेवल को कम करता है और कैल्शियम के लेवल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है. यानी कि पीटीएच हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो रक्त में कैल्शियम के लेवल को तो क्या कर देता है, बढ़ा देता है, लेकिन फॉस्फेट के लेवल को क्या कर देता है, कम कर देता है. क्यों? क्योंकि ये यूरिन के साथ में फॉस्फेट को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है और आंत्र से और नेफ्रोन से कैल्शियम को ये क्या कर लेता है, पुनः अवशोषित कर लेता है. ये इसका मुख्य गुणधर्म है. अब सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो नीट एग्जाम्स के अंदर या किसी भी मेडिकल एग्जाम्स में पूछते हैं कि ये जो पीटीएच हार्मोन जो कि पैराथायरॉइड ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, ये किसका एंटागोनिस्टिक है. एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है जो किसी के विपरीत कार्य करे. तो याद रखना पीटीएच हार्मोन जो होता है वो टीसीएटी का बिल्कुल विपरीत है. पीटीएच हार्मोन पैराथार्मोन जो कि पैराथायरॉइड ग्लैंड से रिलीज हुआ है, वह थायरोकैल्सिटोनिन जो कि थायरॉइड ग्लैंड से सिक्रेट हुआ था, उसका बिल्कुल अपोजिट हार्मोन है. जो काम पीटीएच करता है उसका बिल्कुल रिवर्स काम जो है वो कौन करता है, टीसीटी. और देखिए प्रश्न भी यहां से ही आएगा, टीसीटी और आपको पीटीएच का जो कार्य प्रणाली है, जो कार्य करता है, उसके बारे में पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए. तो पीटीएच टीसीटी का बिल्कुल विपरीत हार्मोन है. तो देखते हैं कि कैसे विपरीत है. टीसीटी ईसीएफ में जो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन है जो थायरॉइड ग्लैंड से रिलीज हुआ है, वह ईसीएफ में, ईसीएफ मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्लूडिंग ब्लड ऑल्सो, ईसीएफ में कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, कम करता है. अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, देखिए फिर से मैं बोल रहा हूं, यहां पर पीटीएच रक्त में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है. यहां पर अंडरलाइन कर देता हूं मैं, पीटीएच रक्त में कैल्शियम के लेवल को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है. ये देखो ये ईसीएफ में इंक्लूडिंग ब्लड जिसमें शामिल है, कैल्शियम के लेवल को ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है. तो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो गया, नहीं हो गया. ये रक्त में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है, ये रक्त में कैल्शियम के लेवल को क्या कर रहा है, घटा रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि टीसीटी मूत्र के साथ कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है. टीसीटी मूत्र के साथ कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है, जबकि हमने क्या देखा था कि जो पीटीएच हार्मोन है वो मूत्र के साथ फॉस्फेट को क्या कर रहा था, बाहर निकाल रहा था. ये मूत्र के साथ फॉस्फेट को क्या नहीं कर रहा है, बाहर नहीं, ये क्या कर रहा है, मूत्र के साथ कैल्शियम के उत्सर्जन को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है. तो देखो ये मूत्र के साथ फॉस्फेट को बाहर निकालता है, तो टीसीटी मूत्र के साथ कैल्शियम के उत्सर्जन को क्या करता है, बढ़ावा देता है. राइट, ये रक्त में जो पीटीएच हार्मोन है रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, ये कैल्शियम के लेवल को क्या कर देता है, कम कर देता है. तो इन दोनों पॉइंट से हम ये कह सकते हैं कि याद रखेंगे कि ये जो है वो हार्मोन एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटागोनिस्टिक होते हैं. पीटीएच हार्मोन और टीसीटी एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं. राइट, साथ ही साथ जो है वो ये भी ध्यान रखना है कि जो टीसीटी हार्मोन है वो बोन रिजोल्यूशन को क्या, बोन जो डिजोल्यूशन होता है, बोन डिजोल्यूशन जो होता है उसको ये रोकने का क्या करता है, काम करता है. मैं फिर से बोल रहा हूं, बोन डिजोल्यूशन को रोकने का जो काम है वो किसका था, टीसीटी का था. अब देखते हैं कि क्या अपना जो ये पीटीएच हार्मोन है वो बोन डिजोल्यूशन को रोकेगा या ये बोन डिजोल्यूशन को क्या करेगा, बढ़ावा देगा, वो अभी हम लोग देख लेते हैं. आर यू गेटिंग? तो देखते हैं, देखिएगा. सबसे पहले पीटीएच के अल्पस्थावन से होने वाले रोग, जैसा कि हम जानते हैं कि हमेशा हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर मॉडरेट अमाउंट में सिक्रेट होने चाहिए. इनका अल्पस्थावन भी खराब होता है तो इनका अतिस्थावन भी खराब होता है. तो देखिए पैराथायरॉइड ग्लैंड से पैराथार्मोन रिलीज हो रहा है. अब यहां पर हम देखेंगे, मान लीजिए कि यदि पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है वो किसी कारण से पीटीएच का अल्पस्थावन कर दे तो कौन कौन से रोग हो जाएंगे, तो कौन कौन से रोग हो जाएंगे. तो देखिए सबसे पहला रोग पीटीएच के अल्पस्थावन से, पीटीएच की डेफिशिएंसी होने से, कम सिक्रेशन होने से पहला जो रोग होगा उसको हम बोलते हैं टिटैनी. आप चाहो तो इससे पूरा नाम
आप इसे पैरा थायरॉइड टिटैनी भी कह सकते हैं, मैं इसका पूरा नाम लिखता हूं, दैट इज नोन एज पैरा थायरॉइड टिटैनी। इसका क्या नाम है? पैरा थायरॉइड टिटैनी रोग, पैरा थायरॉइड टिटैनी रोग। ये पीटीएच के अल्पस्थावन से क्या हो जाता है, जैसे ही पीटीएच का अल्पस्थावन होगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। हाइपो मतलब क्या है, कम, और कैल्सीमिया का मतलब क्या होता है, कैल्शियम के स्तर का क्या हो जाना, कम हो जाना, राइट। तो पैराथायरॉइड टिटैनी कब होगी, पैराथायरॉइड टिटैनी तब होगी जब पीटीएच के अल्पस्थावन से, जब बॉडी के अंदर पैराथायरॉइड ग्लैंड जब पीटीएच का अल्पस्थावन करेगी तो बॉडी के अंदर एक कंडीशन डेवलप हो जाएगी, ब्लड के अंदर एक कंडीशन डेवलप हो जाएगी जिसको कि हम बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो का मतलब होता है कम, कैल्सीमिया का मतलब होता है कैल्शियम। तो देयर विल बी अ फॉल इन कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। हम जानते हैं कि रक्त में ये जो हार्मोन होता है पीटीएच, वो तो कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, लेकिन यहां पर देखिए जब अल्पस्थावन हो गया पीटीएच का तो कैल्शियम का लेवल रक्त में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। जैसे ही रक्त में गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। हाइपोकैल्सीमिया एक गुणधर्म है किसका, पैराथायरॉइड टिटैनी का। पैराथायरॉइड टिटैनी का एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है कि उसमें क्या हो जाता है, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। अब नेचुरल है कि जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या हो गया, गिर गया, तो कैल्शियम का लेवल गिरा क्यों, आखिर क्योंकि कैल्शियम का मूत्र के साथ क्या हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। आपने क्या देखा था, जब तक पीटीएच प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है तब तक तो रक्त में कैल्शियम के स्तर को क्या करता था, वो बढ़ाता था, और फॉस्फेट के लेवल को क्या करता था, कम करता था। ओके, क्यों, यहां पर देखिए क्योंकि मूत्र के साथ फॉस्फेट को क्या निकालता था, बाहर। लेकिन जब पीटीएच हार्मोन का अल्पस्थावन हो गया तो कैल्शियम का मूत्र के साथ क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। तो नेचुरली कि जब कैल्शियम का मूत्र के साथ में उत्सर्जन हो जाएगा तो रक्त में कैल्शियम की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यानी कि हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। और इसके कारण जब कैल्शियम का मूत्र के साथ में उत्सर्जन हो जाता है और जब हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है तो एक रोग उत्पन्न होता है जिसका कि नाम है पैराथायरॉइड टिटैनी। टिटैनी एक तरीके की ऐंठन है। ओके, ये एक पेशियों का एक रोग है जिसमें कि पेशियां जो होती है वो क्या हो जाती है, अकड़ जाती है, तान आ जाती है, अकड़ जाती है। लक्षण क्या है, मसल रिलैक्स नहीं हो पाती। टिटैनी का मतलब ही क्या है, पेशी के अंदर एक गुणधर्म होता है कि पेशी संकुचित होती है तो शिथिलित भी होती है, लेकिन टिटैनी रोग में क्या होता है कि तान आ जाना, यानी कि पेशी ऐंठन आ जाना, मसल यहां पर रिलैक्स नहीं हो पाती, कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाती है लेकिन रिलैक्स नहीं होती है, और इसके कारण क्या हो जाता है, टिटैनी रोग हो जाता है। इसके अंदर क्या आ जाते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं, मसल्स के अंदर क्रैम्प आ जाते हैं, राइट। मसल के अंदर जो होती है वो क्रैम्प आते हैं, मसल के अंदर कन्वोल्यूशंस आते हैं, राइट। ये सब उसके क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। तो ये तो हुआ स्टूडेंट्स पीटीएच के अल्पस्थावन से पैराथायरॉइड टिटैनी रोग हुआ। लेकिन अब इसका उल्टा सोचिए, मैंने जैसा कि कहा है कि हार्मोन का अधिक स्थावन भी तो खराब होता है बॉडी के लिए, तो यदि पीटीएच का अतिस्थावन हो जाए तो क्या होगा। यदि किसी पर्सन के अंदर पीटीएच का अतिस्थावन यानी कि हाइपर सेक्रेशन हो जाए, राइट, ब्लड के अंदर उसकी मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा। तो यदि ब्लड में मात्रा बढ़ जाएगी तो एक रोग हो जाएगा जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। आपने इस रोग का नाम सुना होगा। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है अस्थि छिद्रता रोग, जिसमें कि जो बोन्स होती है वो क्या हो जाती है, बोन्स डिसोल्यूट हो जाती है, बोन डिसोल्यूशन हो जाता है इस रोग के अंदर, बोन डिसोल्यूशन हो जाता है, बोन्स बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, बोन्स मुड़ जाती है, बैंड हो जाती है, फ्रेगाइल हो जाती है, जल्दी से फ्रैक्चर हो जाता है उसका। मतलब यदि पांव के नीचे एक कंकड़ भी आ जाए और यदि कोई व्यक्ति ऑस्टियोपोरोसिस रोग से, अस्थि छिद्रता रोग से ग्रसित है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, क्रैक क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। यदि किसी को ऑस्टियोपोरोसिस रोग है और आपने उसका हाथ भी मोड़ दिया तो भी उसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, क्योंकि इस रोग के अंदर बोन्स क्या हो जाती है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। और इस सॉफ्ट होने का कारण ही क्या है, बोन डिसोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। क्यों, देखिए जैसे ही यहां पर क्या होगा, पीटीएच का अतिस्रावण हो जाएगा तो पीटीएच कैल्शियम को बोन से ज्यादा क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। आप समझिएगा, पीटीएच हार्मोन बहुत अधिक सिक्रीट हो जाएगा तो उसके कारण पीटीएच हार्मोन ड्रॉज एक्सेस कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स, बोन से कैल्शियम क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब कैल्शियम बोन्स के लिए बहुत आवश्यक होता है, तो कैल्शियम जब बोन से बाहर आ जाएगा, राइट, तो बोन क्या हो जाएगी, सॉफ्ट, बैंड पर फ्रैक्चर हो जाएगी, राइट, तो क्या हो जाएगा, बोन का क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा। ये तब हुआ जब पीटीएच क्या हो गया, अधिक हो गया। लेकिन जब यहां पर आपने देखा था टीसीटी जो है वो, टीसीटी जो है वो मूत्र के साथ कैल्शियम के उत्सर्जन को क्या करता था, बढ़ाता था, राइट, और
यहां पर बोन डिसोल्यूशन को क्या करता था, ये रोकता था, बोन डिसोल्यूशन को ये रोकता था, राइट। लेकिन यहां पर क्या हो गया, कैल्शियम जो है वो कहां पर आ गया है, बोन से ज्यादा बाहर आ गया है, राइट। तो क्या हो गया, यहां पर बोन स्ट्रक्चरेबल हो गई, बोन डिसोल्यूशन हो गया, और इसको क्या कहते हैं, हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर क्या हो चुका है, हाइपरकैल्सेमिया। हाइपरकैल्सेमिया, हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा। तो हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन क्या हो गया, ब्लड हो गया। ब्लड के अंदर किसका लेवल हाई हो गया है, बहुत ज्यादा, कैल्शियम का लेवल क्या हो गया है, हाई हो गया है। ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या हो गया है, हाई हो गया है। और उस कैल्शियम के लेवल के हाई हो जाने से यहां पर क्या हो गया है, बोन डिसोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस रोग या अस्थि छिद्रता रोग। इतना ही नहीं, पीटीएच के अतिस्रावण से, पीटीएच के अतिस्रावण से एक और रोग हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टिटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। ऑस्टिटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, आपने कभी स्टोन्स के बारे में सुना होगा, किडनी स्टोन्स वगैरह के बारे में सुना होगा। तो जब पीटीएच की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, तो जो नॉर्मल बोन्स होती है वो रिप्लेस हो जाएगी। नॉर्मल बोन जो होती है, नॉर्मल बोन हो चुकी है, वो रिप्लेस हो जाएगी सिस्ट से, और फाइब्रस उत्तक से क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। क्या कहा मैंने, ऑस्टिटिस फाइब्रोसा सिस्टिका के अंदर क्या होगा, जो सामान्य बोन है, नॉर्मल बोन है, वो रिप्लेस हो जाएगी किससे, सिस्ट और फाइब्रस टिश्यू से। तो ये जो है वो रोग थे जो पीटीएच के अल्पस्रावण से और अतिस्रावण से होने वाले रोग है। पीटीएच के अल्पस्रावण से होने वाला रोग कौन सा है, पैराथायरॉइड टिटेनी, और पीटीएच के अतिस्रावण से होने वाला रोग कौन सा है, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि अस्थि छिद्रता रोग, और ऑस्टिटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, जिसके अंदर की नॉर्मल बोन जो होती है वो रिप्लेस हो जाती है, नॉर्मल बोन टिश्यू इज रिप्लेस बाय सिस्ट एंड फाइब्रस टिश्यू। एक लास्ट में एक और पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, रक्त में जब कैल्शियम का स्तर गिरता है तो पीटीएच क्या होता है, स्थापित होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये मैंने इसलिए लिखा है, आपने एक नाम सुना होगा फीडबैक कंट्रोल। जब जब हम हार्मोन की बात करते हैं तो हम एक फीडबैक कंट्रोल की क्या करते हैं, बात करते हैं। फीडबैक कंट्रोल का मतलब यह है कि पीटीएच का आखिर स्त्रावण कब होगा, पीटीएच का स्त्रावण पैराथायरॉइड ग्रंथि से होगा कब। तो जब रक्त में कैल्शियम का स्तर क्या होगा, घिरेगा, राइट। जब रक्त में कैल्शियम का लेवल घिर जाएगा तो पीटीएच क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, फीडबैक कंट्रोल। और यदि मान लो कि रक्त में कैल्शियम का लेवल गिरा नहीं है, पीटीएच ऑलरेडी है रक्त में, तो फिर पैराथायरॉइड ग्लैंड से पीटीएच का स्त्रावण नहीं होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द फीडबैक कंट्रोल। सो डियर स्टूडेंट, जो अपना आज का जो वीडियो था वो पैराथायरॉइड ग्लैंड के ऊपर था। हम एंडोक्राइन सिस्टम की और भी जो बची हुई ग्लैंड से उनके वीडियोस भी बहुत जल्दी लेकर आएंगे। मेरे वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।